तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा दुखी नहीं रहेगा। आज के बौद्ध कहानी से तुम्हारी हर एक मुश्किल का उपाय तुम्हें मिल जाएगा। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था। उसका पूरा जीवन मानो तनाव से ही भरा था। वह चिंतित रहता और शांत रहता था, क्योंकि उसे आलस करने की आदत थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका पूरा जीवन इसी तनाव में गुजर जाएगा। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे शादी करने का तनाव था। शादी हो जाने के बाद अच्छी नौकरी और रुपए पैसे कमाने का तनाव उस पर बढ़ गया। जैसे तैसे उसे एक नौकरी मिल गई और वह कुछ पैसे भी कमाने लगा। लेकिन उसके बाद उसे और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण उसका तनाव और बढ़ गया। कुछ सालों बाद उसके जीवन में खुशी की लहर आई। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन अब उस बेटे के जन्म के बाद उसे अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उसकी जिंदगी मानो एक तनाव बनकर रह गई थी। वह इस तनाव से किसी भी हालत में छुटकारा चाहता था। वह अपने जीवन को खुशी से जीना चाहता था। इसीलिए एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठकर यही सब सोच रहा था कि वह अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, कैसे वह अपने उन सपनों को पूरा कर सके जिससे उसका भविष्य सुधर सके। तभी अचानक उसके सामने से कुछ सन्यासी गुजरे। उसने उन सन्यासियों को देखा जिनके मुख पर प्रसन्नता थी, जिनके मुख पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। चेहरे पर वह तेज, वह शांति देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उस व्यक्ति को लगने लगा कि सन्यासियों के जीवन में कोई तनाव नहीं है, उनके जीवन में कोई कार्य नहीं है, केवल भिक्षा मांगो और चैन से जियो और शायद यही सबसे सर्वोत्तम जीवन है। ये सारी बातें उसके मन में घर कर गईं। वह दिन रात इनके बारे में सोचने लगा, विचार करने लगा और आखिरकार एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर परिवार को छोड़ देगा और एक सन्यासी बन जाएगा। एक रात उसे मौका मिल गया और वह अपने परिवार के लोगों को छोड़कर निकल गया और भागा भागा उन सन्यासियों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। उन सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार किया और आश्रम में रहने के लिए जगह भी दी। अब वो व्यक्ति उन गुरु का शिष्य बन चुका था, लेकिन वो ये भूल चुका था कि तनाव कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई देश नहीं है जिसे आप छोड़ सकें। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न होने लगा। शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, रोज साफ सफाई करने का तनाव और सबसे बड़ा तनाव कि मैं भिक्षा कैसे मांगूं। और वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में यह होड़ लगी रहती थी कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन बनेगा। ये सब देखकर भी उसके मन में एक अलग तरीके का तनाव उत्पन्न होने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने ये सब बड़ी ही आसानी से झेल लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर, अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसे उनकी याद आने लगी। तब उसे यह एहसास हुआ कि जो इस तनाव को यहां पर झेल रहा है, वैसा ही तनाव उसके सांसारिक जीवन में भी तो था। उसने फिर एक बार फैसला किया कि वह इस सन्यासी जीवन को छोड़ देगा और अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट जाएगा। एक रात फिर उसे मौका मिला और वह आश्रम छोड़कर जैसे ही बाहर निकल रहा था कि तभी वहां के गुरुवर ने उसे देख लिया और उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र तुम कहां जा रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं संसारी जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था और उसके बाद मैंने आप लोगों को देखा। मुझे लगा कि सन्यासी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जहां पर कोई तनाव नहीं है। इस कारण मैं सन्यासी बन गया, लेकिन यहां पर भी रहने के बाद मुझे उस तनाव से मुक्ति नहीं मिली और मैं तो इससे छुटकारा चाहता था, लेकिन वो मुझे यहां पर नहीं मिला। इसलिए मैं यहां से वापस जा रहा हूं, अपने घर, अपने परिवार के पास। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुन उन गुरुवर ने कहा, बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन अपना तनाव यही छोड़ के चले जाओ। यदि तुम वापस यहां से वो तनाव लेकर अपने सांसारिक जीवन में जाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे और फिर तुम्हारा यहां पर आने का फायदा भी क्या हुआ। गुरुवर की ये सारी बातें सुन वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर,
क्या आप सही कह रहे हैं? क्या मैं यह तनाव यहीं पर छोड़कर जा सकता हूं? क्या मुझे इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है? इस पर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, हां क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, कोई समस्या ना हो, वह अपने जीवन खुश और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिला दूंगा और तुम वापस अपने घर की ओर जा सकोगे। फिर तुम भी अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकोगे। गुरुवर की यह सारी बातें सुन वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसका जीवन खुशी और खुशहाली से बीत रहा हो, जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो। वह व्यक्ति कई गांव में गया, कई नगरों में घूमा, बहुत से लोगों से मिला, अनेकों दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो यह कह सके कि उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। बल्कि तनाव और चिंता की बात करते ही लोग उसे अपनी समस्याओं के बारे में और बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे। वह उसे अपनी चिंताओं और तनाव के बारे में कुछ ऐसे बताते मानो सबसे बड़ी समस्या उन्हीं के सर पर मढ़ दी गई है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो। तभी उसे एक दिन एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा, इस पूरे संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता, जो चिंता रहित होता है, और वह है शराबी, जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, जिसे कोई बात का तनाव नहीं होता, वह तो बस मस्त रहता है। जब उस शिष्य ने उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनी तो वह शिष्य एक शराबी व्यक्ति के पास गया और उससे जब उसने यह पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई तनाव है, तो शराबी ने नशे में यह कहा कि यह तनाव क्या होता है, यह तनाव किस चिड़िया का नाम है, मुझे नहीं पता। यह सुन शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसे अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसके द्वारा वह चिंता मुक्त हो सकता है। तभी उस शराबी ने उस शिष्य से कहा, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता सताती रहती है कि अगली सुबह की मदिरा का इंतजाम मैं कहां से करूं। मेरे पास जो धन था वो तो मैंने खर्च कर दिया, मेरी पत्नी के पास जो धन था वो मैंने उससे छीन लिया, अब मेरे पास कोई धन नहीं बचा। क्या तुम्हारे पास कोई धन है? ये सुन उस शिष्य की हिस्से की सारी खुशी मनोबल पल भर में गायब हो गई और धीरे धीरे रात होने आ चुकी थी। वह शिष्य हताश होकर एक मंदिर में जा बैठा। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का आया और उस लड़के ने उस शिष्य से कहा, है गुरुवर, मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? इस पर शिष्य कहता है, इतने छोटे से बालकों और तुम्हें अभी से चिंता सता रही है तो बड़े होकर तुम्हारा क्या हाल होगा? इस पर उस छोटे से लड़के ने कहा, है गुरुवर, है यह चिंता या तनाव नहीं है, या तो भूख है, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, यदि आपके पास खाने के लिए कुछ है तो कृपया करके मुझे कुछ दे दीजिए। उस बच्चे के मुख से ये सारी बातें सुन वह शिष्य एक बार फिर से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने थैले में जो दो रोटियां रखी हुई थी उस बालक को थमा दी। जैसे ही उस बालक ने वह भोजन पूरा कर लिया उसके बाद वह उस शिष्य से कहता है, है गुरुवर, ना जाने मेरे अगले दिन के भोजन का क्या होगा, मुझे इसकी चिंता सता रही है, क्या आप कल भी मेरे लिए भोजन ला सकते हैं? यह सुन वह व्यक्ति एक बार फिर से निराश हो गया। वह भागा भागा अपने गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा है, गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने हर जगह तलाश किया, कई नगर देखे, कई गांव में गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जो अपने जीवन को सुखी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। हर किसी को किसी न किसी चीज की चिंता अवश्य सता रही है। कोई अपनी चिंताओं को लेकर बैठा हुआ है तो कोई अपने तनाव से जूझ रहा है। जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, जिसके पास धन है वो और अत्यधिक धन चाहता है, जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम चाहता है, और जिसके पास प्रेम है वह अत्यधिक प्रेम से भी चिंतित है, किसी के पास काम नहीं है।
तो वह इसलिए चिंतित है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं, और किसी के पास काम है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसी के पास अत्यधिक काम है। जो कोई बीमार है वह इस बात से चिंतित है कि उसका स्वास्थ्य कब सुधरेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे इस बात का तनाव है कि कहीं वह बीमार ना पड़ जाए। इसी प्रकार हर कोई, हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है और सभी के जीवन में चिंताएं ही चिंताएं भरी हुई हैं। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। तभी उन गुरुवर ने कहा, इससे छुटकारा संभव है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, क्या है गुरुदेव, मुझे ऐसा क्या समझना पड़ेगा? मैंने हर जगह देखा, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, तो आप मुझे कैसे चिंता मुक्त कर सकते हैं? इस पर गुरुवर ने कहा, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे तुम ठीक से समझने की कोशिश करना। उन गुरुवर ने कुछ गीली लकड़ियां अपने आश्रम के पास से उठाई और उन्हें उस शिष्य के सामने रख दिया और कहा, इसमें आग लगा दो। उस शिष्य ने काफी कोशिश की, लेकिन उन गीली लकड़ियों में भला कहां आग लगने वाली है, पर शिष्य परेशान हो गया लेकिन उसमें आग नहीं लग पाई। इस पर उसने गुरुवर को कहा, है गुरुदेव, इन गीली लकड़ियों में आग नहीं लग सकती, इसमें आग लगाना संभव ही नहीं। इस पर वह गुरुदेव कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इन गीली लकड़ियों को क्या करोगे, इसे धूप में सुखाओगे या फिर इन गीली लकड़ियों को लेकर सोचते रहोगे, चिंतित रहोगे और तनाव में रहोगे? तुम चाहो तो इन्हें धूप में सूखा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और यदि तुम चिंता की जगह चिंतन करो, तब तुम ये जरूर समझ सकते हो कि तुम इसकी जगह पर कुछ सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो और जिनमें आग लगाना भी संभव होगा। इस पर शिष्य गुरुदेव से कहता है, है गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जीवन तनाव से इतना भरा हुआ है कि जीवन तनाव मुक्त हो ही नहीं सकता है। और ऐसा क्या है कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त जी पाए? वह शिष्य की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, है पुत्र, इस जीवन में कोई तनाव नहीं है, बाहरी तौर पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। जो भी तनाव उत्पन्न होता है वह हमारे भीतर की ओर होता है। चिंता तुम भीतर की ओर करते हो, और जहां चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहां सफलता नहीं होती, कार्य सही नहीं होते, हमारी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती, जिस कारण हमारे सारे कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और हम और भी ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं और भी ज्यादा चिंतित रहने लगते हैं। आगे वह गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, यदि चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो हम अपने जीवन में कभी भी तनाव महसूस ही नहीं करेंगे, और न ही हम कभी चिंता करेंगे, और हमारा जीवन भी खुशी और खुशहाल तौर पर चलता रहेगा। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यदि ये लकड़ियां सूखी मिल जाएं, तो मैं इनमें आसानी से आग लगा सकता हूं और मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा तनाव इन लकड़ियों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि कोई इस बात को पहले से ही स्वीकार कर ले कि जीवन में यदि हमें हमेशा सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, तो तुम पहले से ही उन सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लोगे। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, अगर उसे सूखी लकड़ियां ना भी मिले तो वह धैर्य रखता है, सब्र रखता है और उन गीली लकड़ियों को सुखाने का पूरा प्रयास भी करता है, ना कि उन गीली लकड़ियों को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है और अलग अलग चिंताओं में डूब जाता है कि सूखी लकड़ियां मुझे क्यों नहीं मिली और आखिर उसे क्यों मिली, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, मेरा क्या होगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग हमेशा तनाव ग्रसित रहते हैं, चिंतित रहते हैं और अपने जीवन को कभी भी खुशी और खुशहाल तौर पर नहीं जी पाते। हमारा यह जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं, तो कुछ समस्याएं हम खुद उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि ये समस्याएं वास्तविकता में होती ही नहीं। इस पर वह शिष्य कहता है, है गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा स्पष्ट तौर पर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तभी वह गुरु कहते हैं, अच्छा मुझे यह बताओ, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहां पर सन्यासी बनने क्यों आए थे? शिष्य ने कहा, गुरुवर,
मेरे जीवन में बहुत तनाव था। इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा, तो क्या इस जीवन में कोई तनाव नहीं है? इस पर शिष्य ने कहा, है गुरुदेव, यहां पर भी तनाव है, जिस कारण मैं यह सन्यासी जीवन छोड़कर वापस अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। तभी गुरुवर ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर हर एक कार्य को लेकर यही भाव उत्पन्न होता रहेगा कि मैं यह कैसे करूंगा, यह मुझसे होगा या नहीं होगा, या फिर मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मैं इन चीजों का सामना कैसे करूंगा, यह मुझसे नहीं होता और मेरे साथ ऐसा ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा ना होकर वैसा हो जाए, मुझे कोई देख ही ना पाए, मैं छुप जाऊं, किसी का मेरे ऊपर ध्यान ही ना जाए, अब मेरा क्या होगा और मैं ये कहां पर आकर फंस गया? ये सारे भाव तुम्हारे मन के हैं। ये सारे भाव तब भी तुम्हारे मन में उत्पन्न होते होंगे जब तुम होते परिवार के साथ थे, और जब तुम यहां पर आए तब भी तुम्हारे अंदर ये सारे भाव उत्पन्न होते होंगे। इस पर शिष्य कहता है, हां गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे अंदर ये सारे भाव अभी तक उत्पन्न हो रहे हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ था तब भी, और जब मैं यहां पर सन्यासी बनकर आपके सामने हूं तब भी मेरे अंदर यह सारे भाव उमड़ रहे हैं। इस पर गुरुवर ने कहा, यह समस्या तुम्हारे बाहर की नहीं है। यदि तुम कोई जगह छोड़ दो, कोई स्थान छोड़ दो, तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। यह समस्या तुम्हारे भीतर है कि तुम्हारा ही किया धरा हुआ है। तुमने बेवजह ही अपने मन में एक तनाव बना रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें कल्पना में जीना अच्छा लगता है, काल्पनिक सोच रखना अच्छा लगता है। तुम उन बातों को लेकर चिंतित रहते हो जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित होने की संभावना ही नहीं है। ऐसी सोच रख के तुम चिंताग्रस्त रहते हो, पर तुम्हारा तनाव कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर समस्या का समाधान होता है, और उस समाधान तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई कर्म करने ही पड़ते हैं, और उन कर्मों का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा, तुम चिंता रहित हो जाओगी। इस पर वह शिष्य कहता है, हां गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं यहां पर आया था, उससे ठीक पहले मुझे एक छोटा सा बालक मिला था। उस बालक को जोरों की भूख लगी थी। जब उससे मैंने कहा कि तुम इतने छोटे से बालक हो और तुम्हारे जीवन में अभी से तनाव है, अभी से चिंता है, तो तुम्हारा आगे क्या होगा? इस पर उस बालक ने जवाब दिया था, है गुरुवर, यह कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बल्कि यह तो भूख है। तब मैं ये बात समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता का कोई समाधान नहीं हो सकता, लेकिन भूख का समाधान अवश्य हो सकता है। मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर हजार तरह के विचार उत्पन्न कर लेते हैं और उन विचारों को लेकर चिंतित रहते हैं? ऐसे नकारात्मक विचार जो कभी भी आपके जीवन में घटित हो ही नहीं सकते, ऐसे विचारों को आप अपने मन ही मन पालते रहते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक बातें आप अपने दिमाग पर बढ़ाते रहते हैं, तो इन विचारों का क्या लाभ? क्या आपको अभी भी लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आपको भी यही लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मित्रों, केवल एक समस्या का समाधान ढूंढिए, उन हजारों विचारों का नहीं, क्योंकि वो हजारों विचार आपके बनाए हुए काल्पनिक विचार हैं और वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो आपसे बस यही कहेंगे कि ये आपसे नहीं हो पाएगा और आप उनकी बातें मान लेते हैं। इसीलिए उन नकारात्मक विचारों को दूर रखिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए, क्योंकि चिंता और तनाव मुक्त रहने का यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी समस्या का समाधान कीजिए, उसके लिए कर्म कीजिए और कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। अन्यथा आप केवल उन नकारात्मक विचारों में फंसे रह जाएंगे और आप अपने जीवन को कभी भी तनाव मुक्त या फिर चिंता रहित नहीं बना पाएंगे। तो दर्शकों, चलिए सफलता पाने के लिए आलस को कैसे पूरी तरह से खत्म करें, इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था सोम। सोम बहुत ही चतुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें आलस्य की थोड़ी सी भी आदत नहीं थी। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे।
एक दिन सोम ने गांव के पंडित जी से मिलने का सोचा। वे पंडित जी गांव में ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे। सोम पंडित जी के घर जाकर उनसे मिला और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। पंडित जी ने सोम को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोम से एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। पंडित जी ने सोम से कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सोम ने खुशी खुशी इस परीक्षा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे एक विशिष्ट समय सीमा और एक विषय दिया। सोम ने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। परीक्षा के दिन सोम पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने सोम को एक पर्चा दिया और कहा, इस पर्चे पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तुम्हें सिर्फ एक घंटे का समय है। सोम ने पर्चे पर नजर डाला और देखा कि उसमें केवल एक ही प्रश्न था, आलस्य और कमजोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोम ने ध्यान से सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़कर अपने उत्तर को लिखना शुरू किया। उसने अपने उत्तर में लिखा, आलस्य और कमजोरी मनुष्य के बड़े दुश्मन होते हैं। ये उसकी प्रगति को रोकते हैं और उसे असफल बना देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य को हरा देने के लिए हमें सक्रिय और कर्मठ बनना चाहिए। कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। पंडित जी ने सोम के उत्तर को पढ़ा और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारा उत्तर बहुत ही अद्भुत है। तुमने आलस्य और कमजोरी के विषय में बहुत ही सार्थक और गहराई से विचार किया है। तुम्हारा यह उत्तर मुझे यह दिखाता है कि तुम एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति हो। पंडित जी ने सोम को एक बड़ी संख्या में धनराशि दी और उसे बधाई दी। सोम ने धन्यवाद कहकर उस धन को ले लिया और घर वापस चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए हमें सक्रिय और प्रेरित रहना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सोम ने पंडित जी के घर से धन के साथ ही उनकी उत्तम सलाह भी प्राप्त की। पंडित जी ने उसे न सिर्फ धन दिया बल्कि उसे आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए उपायों के बारे में भी बताया। पंडित जी ने सोम से कहा, बेटा, आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए तुम्हें सच्चे और प्रेरित बनना होगा। तुम्हें हर समय प्रेरित और कार्यशील रहना होगा। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हारे मन को अवरुद्ध कर सकते हैं। इन दोनों को हराने के लिए तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी मनोशक्ति और सकारात्मकता का अभ्यास करना होगा। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से हटा सकती है, इसलिए तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और साफ रखना चाहिए। तुम्हारे पास जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक और प्रेरित बने रहना होगा। जब तुम सकारात्मक रहोगे तब तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता मिलेगी। इसलिए आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए तुम्हें सक्रिय और उत्साही बनना होगा। सोम ने पंडित जी की सलाह को गहराई से सुना और उसने उनके वचनों को अपने दिल में समाहित किया। वह जान गया कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए उसको हमेशा सकारात्मक और प्रेरित रहना होगा। इसके लिए उसने नियमित अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू किया। सोम ने पंडित जी के उपदेश को मानकर आलस्य और कमजोरी को अपने जीवन से बाहर निकाला और उसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित और कार्यशील रहना शुरू किया। नियमित व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। नियमित व्यायाम करने से आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है, जिससे आप आलस्य से निपट सकते हैं। योग, ध्यान, जॉगिंग या किसी भी व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। सही आहार। सही आहार खाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है जो सही आहार से पूरी होती है। फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और हरे पत्ते शामिल करें। तेजी से प्रसंस्करण तली हुई और पैकेजिंग किए गए खाद्य पदार्थों की बजाय नाश्ता और भोजन का प्राथमिकता दें। स्वाध्याय और संशोधन
नई चीजों को सीखना और अपने मन को स्वाध्याय द्वारा संशोधित करना भी आज को आलस्य से मुक्ति प्रदान कर सकता है। नई कौशल सीखें, पुस्तकें पढ़ें और अपने होने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोर्सेज लें। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है और आपको आलस्य से बचा सकती है। अपने मन में प्रतिदिन सकारात्मक और उत्साह ही विचार लाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहें और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना आलस्य को कम कर सकता है। अपने कार्यों को अच्छे से आयोजित करें और नियमित अवधि में विभाजित करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ध्यान, मनोविज्ञान और स्वाध्याय के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपको आलस्य से बचा सकता है। संगठन कौशल विकसित करें। अपने कामों को संगठित रूप से करने के लिए संगठन कौशल को विकसित करें। एक अच्छे संगठन में आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें सही तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। सामाजिक संबंधों का महत्व समझें। सामाजिक संबंध भी आलस्य और कमजोरी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही सामाजिक संबंधों के बीच रहकर आप अपने आप को प्रेरित और सक्रिय रख सकते हैं। संतुलित जीवन शैली अपनाना भी आपको आलस्य और कमजोरी से बचाने में मदद कर सकता है। पर्याप्त आराम, सही खानपान और मनोरंजन के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करें। स्वप्रशंसा आपको अपने आप की कार्य शैली को समझने और बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। आपने जो भी काम किया है उसे स्वप्रशंसा करें और अपने आप को प्रेरित करें कि आप और बेहतर कर सकते हैं। संगत का चयन करें। अपने आसपास के लोगों का चयन करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रेरणा बनेंगे। स्वनियंत्रण बनाए। आपको अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। स्वनियंत्रण बनाए रखने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। प्रतिस्पर्धा में अधिकता का मोह छोड़ दें। खुद को अपने आप से ही तुलना ना करें बल्कि खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करें और बेहतर बनने का प्रयास करें। लक्ष्यों को स्पष्ट करें। स्पष्ट लक्ष्यों को तय करें और उन पर केंद्रित रहें। आपके पास चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होगी और आपको प्रेरित और सक्रिय बनाए रखेगी। संतुलन बनाए रखें। संतुलन अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। अपने काम, परिवार, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। प्रतिक्रिया स्वीकार करें। प्रतिक्रिया को स्वीकार करना और उसे सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी कभी हार का अनुभव करना हमें और भी मजबूत बना सकता है। स्वयं को उत्साहित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सक्रिय और उत्साहित रखें। अपने मन को प्रेरित करें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संजीवनी कर्म का अभ्यास करें। आप जो भी कर्म करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें और उसमें अपना सर्वोत्तम दें। कर्म के माध्यम से आप अपने आलस्य और कमजोरी को हरा सकते हैं। संयम बनाए रखें। अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं पर संयम बनाए रखें। अपने अंदर के संयम को बढ़ावा दें और आलस्य और कमजोरी से निपटने में सहायक बनाए रखें। संदेहों का सामना करें। संदेहों और अनिश्चितताओं का सामना करना सबका हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करें और अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुट जाएं। यह थे कुछ और उपाय जो आपको आलस्य और कमजोरी से निपटने में मदद कर सकते हैं। ये सभी उपाय आपको एक सक्रिय, प्रेरित और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सोम था। सोम बहुत ही चतुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें आलस्य की थोड़ी सी भी आदत नहीं थी। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन सोम ने गांव के पंडित जी से मिलने का सोचा। वे पंडित जी गांव में ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे। सोम ने पंडित जी के घर जाकर उनसे मिला और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। पंडित जी ने सोम को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोम से एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। पंडित जी ने सोम से कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो
तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करूंगा। सोम ने खुशी खुशी इस परीक्षा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे एक विशिष्ट समय सीमा और एक विषय दिया। सोम ने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। परीक्षा के दिन सोम ने पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने सोम को एक पर्चा दिया और कहा, इस पर्चे पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तुम्हें सिर्फ एक घंटा का समय है। सोम ने पर्चे पर नजर डाला और देखा कि उसमें केवल एक ही प्रश्न था, आलस्य और कमजोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोम ने ध्यान से सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़ाकर अपने उत्तर को लिखना शुरू किया। उसने अपने उत्तर में लिखा, आलस्य और कमजोरी मनुष्य के बड़े दुश्मन होते हैं। यह उसकी प्रगति को रोकते हैं और उसे असफल बना देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य को हरा देने के लिए हमें सक्रिय और कर्मठ बनना चाहिए। कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। पंडित जी ने सोम के उत्तर को पढ़ा और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारा उत्तर बहुत ही अद्भुत है। तुमने आलस्य और कमजोरी विषय में बहुत ही सार्थक और गहराई से विचार किया है। तुम्हारा यह उत्तर मुझे यह दिखाता है कि तुम एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करता हूँ। पंडित जी ने सोम को एक बड़ी संख्या में धन राशि दी और उसे बधाई दी। सोम ने धन्यवाद कहकर उस धन को ले लिया और घर वापस चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए हमें सक्रिय और प्रेरित रहना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सोम ने पंडित जी के घर से धन के साथ ही उनकी उत्तम सलाह भी प्राप्त की। पंडित जी ने उसे ना सिर्फ धन दिया, बल्कि उसे आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए उपायों के बारे में भी बताया। पंडित जी ने सोम से कहा, बेटा, आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए तुम्हें सच्चे और प्रेरित बनना होगा। तुम्हें हर समय प्रेरित और कार्यशील रहना होगा। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हारे मन को अवरुद्ध कर सकते हैं। इन दोनों को हराने के लिए तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी मनोशांति और सकारात्मकता की अभ्यास करनी होगी। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से हटा सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और साफ रखना चाहिए। ध्यान दो, तुम्हारे पास जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक और प्रेरित बने रहना होगा। जब तुम सकारात्मक रहोगे, तब तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता मिलेगी। इसलिए आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए तुम्हें सक्रिय और उत्साही बनना होगा। सोम ने पंडित जी की सलाह को गहराई से सुना और उसने उनके वचनों को अपने दिल में समाहित किया। वह जान गया कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए उसको हमेशा सकारात्मक और प्रेरित रहना होगा। इसके लिए उसने नियमित अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू किया। सोम ने पंडित जी के उपदेश को मानकर आलस्य और कमजोरी को अपने जीवन से बाहर निकाला और उसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित और कार्यशील रहा। उसका उदाहरण देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और वे भी आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए प्रयासरत हो गए। इसके परिणाम स्वरूप गांव में सभी लोग सक्रिय, प्रेरित और कार्यशील बने और उन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल किया। इस रूप में आलस्य और कमजोरी को हराने के उपायों ने गांव को समृद्ध और सम्मान प्रदान किया। नियमित व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। नियमित व्यायाम करने से आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है, जिससे आप आलस्य से निपट सकते हैं। योग, ध्यान, जॉगिंग या किसी भी व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। सही आहार, सही आहार खाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, जो सही आहार से पूरी होती है। फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और हरे पत्ते शामिल करें। तेजी से प्रसंस्करण तली हुई और पैकेजिंग किए गए खाद्य पदार्थों की बजाय
नाश्ता और भोजन का प्राथमिकता दें। स्वाध्याय और संशोधन नई चीजों को सीखना और अपने मन को स्वाध्याय द्वारा संशोधित करना भी आपको आलस्य से मुक्ति प्रदान कर सकता है। नई कौशल सीखें, पुस्तकें पढ़ें और अपने होने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोर्सेज लें। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है और आपको आलस्य से बचा सकती है। अपने मन में प्रतिदिन सकारात्मक और उत्साही विचार लाएं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहें और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। समय प्रबंधन, समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना आलस्य को कम कर सकता है। अपने कार्यों को अच्छे से आयोजित करें और नियमित अवधि में विभाजित करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ध्यान, मनोविज्ञान और स्वाध्याय के माध्यम से अपने मान स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपको आलस्य से बचा सकता है। संगठन कौशल विकसित करें। अपने कामों को संगठित रूप से करने के लिए संगठन कौशल को विकसित करें। एक अच्छे संगठन में आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें सही तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। सामाजिक संबंधों का महत्व समझें। सामाजिक संबंध भी आलस्य और कमजोरी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही सामाजिक संबंधों के बीच रहकर आप अपने आप को प्रेरित और सक्रिय रख सकते हैं। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। संतुलित जीवन शैली अपनाना भी आपको आलस्य और कमजोरी से बचाने में मदद कर सकता है। पर्याप्त आराम, सही खान पान और मनोरंजन के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करें। स्वप्रशंसा करें। स्वप्रशंसा आपको अपने आप की कार्यशैली को समझने और बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। आपने जो भी काम किया है उसे स्वप्रशंसा करें और अपने आप को प्रेरित करें कि आप और बेहतर कर सकते हैं। संगत का चयन करें। अपने आसपास के लोगों का चयन करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रेरणा बनेंगे। स्वनियंत्रण बनाएं। आपको अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। स्वनियंत्रण बनाए रखने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। प्रतिस्पर्धा का मोह छोड़ें। प्रतिस्पर्धा में अधिकता का मोह छोड़ दें। खुद को अपने आप से ही तुलना ना करें बल्कि खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करें और बेहतर बनने का प्रयास करें। लक्ष्यों को स्पष्ट करें। स्पष्ट लक्ष्यों को तय करें और उन पर केंद्रित रहें। आपके पास चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होगी और आपको प्रेरित और सक्रिय बनाए रखेगी। संतुलन बनाए रखें। संतुलन अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। अपने काम, परिवार, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। प्रतिक्रिया स्वीकार करें। प्रतिक्रिया को स्वीकार करना और उसे सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी कभी हार का अनुभव करना हमें और भी मजबूत बना सकता है। स्वयं को उत्साहित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सक्रिय और उत्साहित रखें। अपने मन को प्रेरित करें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संजीवनी कर्म का अभ्यास करें। आप जो भी कर्म करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें और उसमें अपना सर्वोत्तम दें। कर्म के माध्यम से आप अपने आलस्य और कमजोरी को हरा सकते हैं। संयम बनाए रखें। अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं पर संयम बनाए रखें। अपने अंदर के संयम को बढ़ावा दें और आलस्य और कमजोरी से निपटने में सहायक बनाए रखें। संदेहों का सामना करें। संदेहों और अनिश्चितताओं का सामना करना सबका हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करें और अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुट जाएं। ये थे कुछ और उपाय जो आपको आलस्य और कमजोरी से निपटने में मदद कर सकते हैं। यह सभी उपाय आपको एक सक्रिय, प्रेरित और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सोम था। सोम बहुत ही चतुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें आलस्य की थोड़ी सी भी आदत नहीं थी। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन सोम ने गांव के पंडित जी से मिलने का सोचा। वे पंडित जी गांव में ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे। सोम ने पंडित जी के घर जाकर उनसे मिला और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी।
पंडित जी ने सोम को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोम से एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। पंडित जी ने सोम से कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करूंगा। सोम ने खुशी खुशी इस परीक्षा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे एक विशिष्ट समय सीमा और एक विषय दिया। सोम ने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। परीक्षा के दिन सोम ने पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने सोम को एक पर्चा दिया और कहा, इस पर्चे पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तुम्हें सिर्फ एक घंटा का समय है। सोम ने पर्चे पर नजर डाला और देखा कि उसमें केवल एक ही प्रश्न था, आलस्य और कमजोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोम ने ध्यान से सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़ाकर अपने उत्तर को लिखना शुरू किया। उसने अपने उत्तर में लिखा, आलस्य और कमजोरी मनुष्य के बड़े दुश्मन होते हैं, ये उसकी प्रगति को रोकते हैं और उसे असफल बना देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य को हरा देने के लिए हमें सक्रिय और कर्मठ बनना चाहिए। कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। पंडित जी ने सोम के उत्तर को पढ़ा और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारा उत्तर बहुत ही अद्भुत है। तुमने आलस्य और कमजोरी के विषय में बहुत ही सार्थक और गहराई से विचार किया है। तुम्हारा यह उत्तर मुझे यह दिखाता है कि तुम एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करता हूं। पंडित जी ने सोम को एक बड़ी संख्या में धनराशि दी और उसे बधाई दी। सोम ने धन्यवाद कहकर उस धन को ले लिया और घर वापस चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए हमें सक्रिय और प्रेरित रहना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सोम ने पंडित जी के घर से धन के साथ ही उनकी उत्तम सलाह भी प्राप्त की। पंडित जी ने उसे ना सिर्फ धन दिया बल्कि उसे आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए उपायों के बारे में भी बताया। पंडित जी ने सोम से कहा, बेटा, आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए तुम्हें सच्चे और प्रेरित बनना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ।